आज आपके न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सफादिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औरादबी तालुके में स्थित कोड़ूर गांव में मनाया जा रहा है मुहर्रम, बिठाए गए हैं अलम। कावेरी पैनल द्वारा कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने के निर्देश पर चर्चा के लिए आज होगी सर्वदलीय बैठक, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुलाई बैठक। सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने लगाया आरोप। मराठा आरक्षण के लिए जारंगे, 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे, कहा जल्द मुंबई पहुंचेंगे। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी 29,400 करोड़ की सौगात, बताया विकास को लेकर क्या है लक्ष्य। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला, रैली में चली गोलियां, मारा गया शूटर, जो बिडेन का आया बयान। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के विदर्भ जिले के औरादबी तालुके में स्थित कोड़ूर गांव में मुहर्रम मनाया जा रहा है और अलम बिठाए गए हैं। कोड़ूर गांव में मनाए जाने वाले मुहर्रम में गांव के मुखिया चंद्रकांत पाटिल और सुकुमार माली पाटिल, सागर पाटिल, अविनाश पाटिल, उनके नेतृत्व में अच्छे से गांव में मुहर्रम मनाया जाता है और शहीद इमाम हुसैन और उनके परिवार की शहादत की याद मनाई जाती है। और इस कोड़ूर गांव में सभी धर्म के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं और त्यौहार मनाते हैं। यहां पर मौलाली अलम के दर्शन के लिए सभी धर्मों के लोग भारी संख्या में आते हैं। मौलाली अलम बिठाने वाले अलम के मुजावर इब्राहिम साहब और रफीक मुजावर ने केपी न्यूज से बात की। इस मौलाली अलम की अकीदतमंद अशरफ बीबी ने भी केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा से बात की। साथ ही इस मौलाली अलम पकड़ने वाले साहेब रामदास ने भी केपी न्यूज से बात की। उन्होंने बताया कि इस कोड़ूर गांव में अच्छे से मुहर्रम मनाया जाता है। इस अवसर पर चुन्नू मियां और मुजावर इब्राहिम और रफीक मुल्ला शरीफ मियां, बाबूराव कोड़ी, सुनील कृष्ण शेट्टी, संजय कुमार अतनूरे, सभी गांव के लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज का संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। करेंगे इस मुहर्रम के बारे में, क्या है हमारे कैमरामैन आ गया के बता सकते हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, ये मुहर्रम का जो महीना है ये कौन से इसके काम बनाने मनाते हैं? ये हसन हसन करबला में शहीद हो गए, बी फातिमा के बच्चे करबला को जाको शहीद हो गए, तो मैं मुहर्रम बनाती हूँ, मेरे बच्चा को देखती हूँ, मैं बोलको ये देखा को हाथ जो ये आलम जो बिठाते हैं कोड़ूर गांव के अंदर, जो आलम बिठाते हैं कितने आलम है? वो इमाम हसन हुसैन, मौलाली खासिम जिले लाल साहब, इतनी आलम बिठाती है, इतने की सवारी निकालती है, सब अच्छा करती है। ये कितने सदियों से आ रहा, तुमको मालूम है क्या कुछ? ये बहुत रोज की है, 60-70 साल से, अभी हमारे 60-70 साल है जब से हमारे देखने में, तो बिठाते चाहते हैं। आपके वालिद साहब मुझे आपको या ऐसा यही करता है? हमारे वालिद साहब, हमारे चाचा ताए बड़े छोटे सब ये कर लेते आ रहे हैं। एक औरादबी तालुका में आज कोड़ूर गांव के अंदर क्या बोलते हो सिकंदर बादशाह महबूब सुबानी से क्या बोलते, जो आलम पकड़ने वाले जो रामदास है, उन्होंने तकरीबन नहीं बोलते 600 मीटर से क्या बोलते अपने घुटनों के ऊपर पैदल आ गए हैं। और क्यों बोलते, दूसरी बात हमारे कोड़ूर गांव के क्या बोलते महिलाओं ने क्या कड़सा लेकर क्या बोलते इसको बहुत इत्याद से जो पंजाब पकड़ने वाले जो आलम पकड़ने वाले हैं उनका क्या बोलते बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। और क्या बोलते कोड़ूर गांव के अंदर क्या बोलते हिंदू मुस्लिम क्या बोलते भाईचारा दिखा देता है, फिर भी क्या बोलते हमारे साथ क्यों बोलते आलम पकड़ने वाले क्या बोलते जो रामदास है हम उनसे ही बात करेंगे। आगे आगे बता सकते हमारे कैमरामैन आगे आगे सकते। आपका नाम क्या है? रामदास। जो तकरीबन नहीं बोल रखो अब ये क्या बोलते जो सिकंदराबाद से जो महबूब सुबानी है तो महबूब सुबानी से तकरीबन कितने साल से आपको लेकर? ये कम से कम हो गया 4 साल से चालू करे। जी 4 साल से चालू करे, हमारे दादा पड़दादा से क्या है बोले तो हमारे घर में चालू है, ये हमारे दादा पड़दादा से चालू है, हमसे चारवा सर है। तुम बोले तो मेरे पड़दादा चले होता, मेरे दादा नहीं चले,
मेरे दादा चले होता मेरे चाचा नहीं चले, और मेरे चाचा चले होता मैं नहीं चलती, और मैं चले था मेरे बच्चे नहीं चलते। रोज के रोज ये जो ये दुनिया कैसा बदल रही, उसका चेहरा बदल रहा। चेहरे के लिए क्या है बोले तो ये अलम कने कोई आके मेरे की वो हो गया मेरे को ये बताओ वो बताओ बोलने का नहीं रहना। जो भी आना मस्जिद को आना, आके सही सलामत करना, अली के नाम लेना, ये अली क्या है हमारे मुसीबत हमारे दूर हटाओ बोल के यहाँ की हमारे ये घोड़े करने जाओ वहाँ जाओ यहाँ वाता लो यहाँ करो वो सब करने का नहीं रहना। अब हम चल रहे आगे कैसा कौन रहते कि ऐसे चलते कि हम बैठते कि किसको नहीं मालूम। कितने भी जने लाखों जने कितने भी पूरे आजू बाजू औरा तालुकों में विदर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ तक है इसकी असगर ये कोलूर गाँव बोले तो अरे कोलूर गाँव में एक दरगाह है मौलाली के ये गाँव में आजू बाजू बोले तो हर गाँव वाले यहाँ भाग के आते निवासी हैं। हम उनसे जानेंगे और उनसे बात करेंगे और क्या बताते हैं क्या नहीं, इसकी मुहर्रम के महीने के बारे में क्या बताते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रफीक मुल्ला कुल्लूर। यहाँ क्या है इस साल हर साल जो मनाया जाता है मुहर्रम की ईद बोल के पाँच दिन, और जो है सो मौलाली काशम दुल्हे और हसन हुसैन और लाल साहब के बोल के पाँच तरह के हम गिरा बैठा के उसका ईद मनाते हैं। पूरे गाँव वाले पूरे कोलूर ग्राम के आजू बाजू ग्राम के लोग आके जलसा मनाते हैं, हंसी खुशी में सब में शामिल होकर क्या है बोले तो अली का नाम लेकर काम, हाँ मौलाली का नाम लेके ऊपर वाले का नाम लेके अल्लाह का नाम लेके ये उत्सव करते हैं कोलूर ग्राम में, सब हंसी खुशी से करते हैं। और इसके हिंदू मुस्लिम जो भी भाईचारे से हम ये उत्सव करते हैं कोलूर ग्राम में। और क्या है बोले तो रात में जलसा था, रात रात में था, चार बजे से लेकर साढ़े चार बजे तक हम पर हमारे पास सवारी हो गई है पीरा की, फिर सवारी लेने वाले हमारे लोग बैठे वाले हैं पीछे दरगाह हैं मौलाना लेके, फिर उनको सबको लेके चलने वाले हमारे अध्यक्ष कोलूर के चुनुमिया बोल के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनके दारबोदार में सब जने बोले सर के हम सुनते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कावेरी जल विनियमन समिति CWRC के राज्य को तमिलनाडु के लिए प्रतिदिन 1 TMCFT कावेरी नदी का पानी जारी करने के निर्देश से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज रविवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जो जल संसाधन मंत्री भी हैं कावेरी नदी बेसिन क्षेत्र के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद CM ने कहा था कि आज की बैठक राज्य के अगले कदम पर फैसला करेगी। इस बार सामान्य बारिश के पूर्वानुमान के बावजूद अब तक आमद में 28% की कमी है। CWRC के समक्ष अपने रुख में हमने ये स्पष्ट रूप से कहा था, साथ ही हमने जुलाई के अंत तक कोई निर्णय नहीं लेने का अनुरोध किया था, फिर भी CWRC ने कहा है। कर्नाटक में मुद्दा घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर विपक्ष लगातार निशाना साध रही है। इस कड़ी में अब केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मंत्री HD कुमारस्वामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। दरअसल मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर आरोप है कि मुद्दा की तरफ से भूमि के कथित रूप से धोखाधड़ी से वंचितों को भूखंड आवंटित किए गए जिसमें उनकी पत्नी पार्वती को दिए गए भूखंड शामिल हैं। वहीं मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले के सीधे मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े होने का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्य के किसी भी सम्मानित वकील से अनुरोध किया कि वे इस मामले को राज्यपाल के समक्ष ले जाएं और अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करें और इसे अदालत में ले जाएं। JDS नेता ने कहा एक के बाद एक इस राज्य सरकार के कई घोटाले पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए हैं। राज्य में कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद से कर्नाटक के बाहर इस प्रशासन को लेकर नकारात्मक भावना है और ये दुखद है। आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने शनिवार को घोषणा की है कि अब अगर सरकार ने मराठों को आरक्षण नहीं दिया तो 20 जुलाई से वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जल्द ही मुंबई पहुंचेंगे। जारंगे ने मराठों से आंदोलन के अगले चरण के लिए मुंबई में इकट्ठा होने की अपील की है। आंदोलन की घोषणा 20 जुलाई को की जाएगी। छत्रपति संभाजी नगर में एक रैली में बोलते हुए जारंगे ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 20 जुलाई से मराठा आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन जालना जिले के अंतरवाली सारती गांव में फिर से शुरू होगा। उन्होंने कहा सरकार के लिए मराठा कोटा लागू करने की एक महीने की समय सीमा आज समाप्त हो गई है। आज मैं सरकार से कहता हूं कि मराठा समुदाय की 9 मांगों को पूरा किया जाना चाहिए, ये सिर्फ पहले चरण का अंत है।
इसके अलावा कई अन्य चरण अभी आने बाकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 29,400 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने ठाणे बोरेवली ट्विन टनल परियोजना और गोरेगांव मुलुंद लिंक रोड परियोजना में सुरंग कार्य की आधारशिला रखी। साथ ही साथ उन्होंने नवी मुंबई में कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग और गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने निवेशकों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य महाराष्ट्र की शक्ति का उपयोग करके इसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति में बदलना है। मुंबई को दुनिया की फिनटेक राजधानी बनाएं। देश की जनता निरंतर तीव्र विकास चाहती है और अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित बनाना चाहती है। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश में शनिवार को आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 72,18,711 वादों का निस्तारण किया गया। ये लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट के जज और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक जस्टिस अरुण भंसाली के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज और राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता के निर्देश में 13 जुलाई को आयोजित की गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने एक प्रेस विज्ञप्ति में ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नवविवाहित जोड़े अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को उनकी शादी के बाद आशीर्वाद दिया। विवाह समारोह में देश विदेश की मशहूर हस्तियों, उद्योगपतियों और राजनेताओं ने भाग लिया। मोदी यहां अंबानी परिवार के स्वामित्व वाले जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में शामिल होने पहुंचे, जिसका नाम शुभ आशीर्वाद रखा गया है। नवविवाहित जोड़े ने मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मोदी का स्वागत मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने किया तथा उन्हें समारोह स्थल तक ले गए। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट शुक्रवार को मुंबई में एक भव्य समारोह में परिणय सूत्र में बंध गए। लोकसभा में कांग्रेस की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। गौरव गोगोई को लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता बनाया गया है। राहुल गांधी लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता हैं। गौरव गोगोई पिछली लोकसभा में भी कांग्रेस दल के उपनेता थे। इसके अलावा के सुरेश को मुख्य सचेतक और मणिकम टैगोर मोहम्मद जावेद को सचेतक बनाया गया है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को नई नियुक्तियों की जानकारी दी। गौरव गोगोई आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं। उन्होंने इससे पहले 2020 से लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपनेता का पद संभाला था। इस बार जोरहाट सीट से कांग्रेस के गौरव गोगोई ने भाजपा के तपन कुमार गोगोई को 1,44,393 वोट से हराकर जीत हासिल की थी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की शक्तियां काफी हद तक बढ़ाते हुए उन्हें पुलिस और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से संबंधित निर्णय लेने तथा विभिन्न मामलों में अभियोजन की मंजूरी देने की ताकत प्रदान की है। विपक्ष ने केंद्र सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे जम्मू कश्मीर के लोगों को अशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया है। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस लेकर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किए जाने के बाद लागू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जारी नियमों में संशोधन कर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को उपराज्यपाल को ये शक्तियां दी हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि विधि न्याय और संसदीय कार्य विभाग न्यायालय की कार्यवाही में महाधिवक्ता की सहायता के लिए महाधिवक्ता और अन्य विधि
अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां इसलिए दी गई हैं क्योंकि भाजपा को पता है कि वो वहां सरकार नहीं बना पाएगी। हैदराबाद से लोकसभा सांसद ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जारी नियमों में संशोधन कर उपराज्यपाल को दी गई शक्तियों को लेकर एनडीए सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये संशोधन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के तहत निर्वाचित सरकार को सौंपे गए विषयों पर अतिक्रमण करते हैं इस आशंका में कि चुनाव के बाद भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी। करीब सारी शक्तियां एलजी को तोहफे में दे दी गई हैं। निर्वाचित सरकार लंगड़ी हो जाएगी और उसकी तैनाती सुरक्षा आदि में कोई भूमिका नहीं होगी। ये काफी हद तक पुडुचेरी जैसा होगा। उन्होंने कहा कि JKAS के अधिकारियों को प्रशासनिक सचिव के रूप में तभी तैनात किया जा सकता है जब LG उन्हें सुपर CM बनाए। अब वक्त है और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र में विशाल वस्तु शिल्पा संपदा की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर परिसर भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चार पवित्र स्थलों में से एक है। माना जाता है कि बोधगया वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सैटेलाइट इमेज और जमीनी सर्वेक्षणों की मदद से यहां विशाल वस्तुशिल्प संपदा की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं। ये अध्ययन कला संस्कृति एवं युवा विभाग की एक शाखा बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी BSDS ने ब्रिटेन के कार्डिफ विश्वविद्यालय के सहयोग से किया है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग की अपर मुखिया सचिव हरजोत कौर बमुरा ने बताया, अध्ययन से महाबोधि मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी के नीचे पुरातात्विक खजाने की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। ये एक विशाल वस्तुशिल्प संपदा है जिसकी और खुदाई की जरूरत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ है और वो घायल हो गए हैं। ट्रंप पर उस वक्त हमला हुआ जब वो पेनिसिल्वेनिया में रैली कर रहे थे। इस दौरान एक के बाद एक कई गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। गोलाबारी के बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स तुरंत पूर्व राष्ट्रपति को रैली मंच से उतार कर ले गए। हमले के बाद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें ट्रंप को अपने दाएं कान पर हाथ रखे देखा जा सकता है और उनके कान पर खून दिखाई दे रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित है और एक आम नागरिक की मौत हो गई है। हमले के बाद अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन और US सीक्रेट सर्विस का बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप पर जिस समय हमला हुआ उस समय जो बाइडन डेलावेयर में थे और चर्च से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। हमले की निंदा करते हुए जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है, एकजुट होकर हमले की निंदा होनी चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान हुए हमले को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। पीएम मोदी ने रविवार सुबह एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने इस घटना की निंदा भी की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। औरादबी तालुके में स्थित कोड़ूर गाँव में मनाया जा रहा है मुहर्रम, बिठाए गए हैं अलम। कावेरी पैनल द्वारा कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने के निर्देश पर चर्चा के लिए आज होगी सर्वदलीय बैठक, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुलाई बैठक। सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने लगाया आरोप। मराठा आरक्षण के लिए जारंगे, 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे, कहा जल्द मुंबई पहुंचेंगे।
पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी 29,400 करोड़ की सौगात, बताया विकास को लेकर क्या है लक्ष्य। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला, रैली में चली गोलियां, मारा गया शूटर, जो बिडेन का आया बयान। केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।